विवेक महाजन जी का, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। अभी भी उनके मुझे विश्वास है कि उन्हें बहुत सारे संशय होंगे कि यह चमत्कारिक जो है ना प्रयोग उन्हें अपराध मुक्त भी कर देगा, उनका धंधा भी बढ़ा देगा, वर्कर्स को भी विदेश यात्रा कराएगा, वो लोग जो है ना उनके परिवार भी 2-2 लाख रुपए कमाएंगे, उनके घरों में टीवी होगा, फ्रिज होगा, सब कुछ होगा, और किसान भी मालामाल होकर जो है ना करोड़पति टाइप के बन जाएंगे। तो ऐसी चमत्कारिक व्यवस्था यदि इतनी आसानी से संभव थी तो अब तक क्यों नहीं हो गई? ऐसे कुछ किसान जरूर आ रहे होंगे। तो मैं विवेक जी से पूछता हूँ, इसका जो आप सेटअप बड़ा लगा उसके लिए धर्म की व्यवस्था कैसे, ऐसा कहा? देखिए, एक चीज आप महसूस कर रहे हैं कि एग्रो इकोसिस्टम के जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे वो सब इस व्यवस्था के ज्वाइंट वेंचर के तहत पार्टनर, राइट? तो उनके प्रॉफिट का 20% जो है ना सीएलबी को आएगा, बिकॉज ज्वाइंट वेंचर विल बी ऑन द शेयरिंग ऑफ द 20%, राइट? तो पहला तो शुद्ध लाभ से, राइट? और चूंकि जो है मिडिल मैन को गायब कर दिया जा रहा है और किसानों को जो है ना वन एमएसपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और कंज्यूमर को 2-3 एमएसपी के बीच में जो है बेस्ट क्वालिटी चीज और वो भी अमृत तुल्य चीज पहुंच रही है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी सीएफटी की है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपका कितना अलग कर लीजिएगा, हम उसका अलग जवाब दे देंगे। तो कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी अमृत तुल्य चीज उसके घर पे मिल रही है और वो भी 2 एमएसपी पे। आज उसके पास वो 4 एमएसपी और 10 एमएसपी में भी नहीं उसे मिल रही है और बीच वाले जितना जहाँ पे जो चीज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर एंड पे तो जो है ना वो चीजें बहुत महंगी मिल रही है, राइट? जैसे अभी हमने आपको बताया था कि शर्ट जो है ना 500 रुपए में पैदा हुई और उसे शोरूम वाला 2500 में बेच रहा है, तो उसने क्या वैल्यू एडिशन कर दिया? वो 2000 रुपए का प्रॉफिट क्यों कमा रहा है? क्या एक शोरूम में जिसमें एयर कंडीशनर लगा के सुंदर सुंदर जो है ना सेल्स गर्ल्स लगा के इस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो किस चीज के पैसे मिल रहे हैं? तो ये सिस्टम जो है जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट है, ऐसे ही जो है इन दोनों को जोड़ देगा, इसका अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा और ये सब कॉस्ट जो है वो उस पर लोड नहीं की जाएगी। इसके लिए हमने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट अलग से बनाया है। तो 20% इको सिस्टम में जो भी लोग रहेंगे उन सबका जो है ना पैसा आता है। नंबर 2, हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड बना है, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड ज्वाइंट वेंचर के तहत उसकी पूरी क्रेडिट डे 1 पर निकाली जाएगी, दैट विल बिकम द सीड मनी, राइट? और किसानों का जो पेमेंट करना है वो सीएफबी करेगी ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स, राइट? और जितना उसको उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है वो सीएफबी देगी और ऑन द टॉप ऑफ इट 2% जो है ज्यादा इंटरेस्ट देगी और वो 2% जो ज्यादा मनी इकट्ठा होगा वो प्रॉफिट अकाउंट में नहीं जाएगा, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो ये दूसरा हो गया है। फिर तीसरा जो है ये ढेर सारी एफपीओज बनेंगे जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है। तो सीएफपी लाखों की संख्या में किसानों को जोड़ के और उनके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो अधिकांश जो है ना फैक्ट्रीज, अधिकांश चीजें जो है ना वो गाँव में पहुंचे, गाँव की जमीन भी सस्ती है तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी मच हायर और प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगी और ये प्रॉफिट जो है ना विल गो इन द कॉस्ट सेटिंग, राइट? इसको जो है ना एमपीओस को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है जिसमें नाबार्ड का बहुत ही कंसेशनल इंटरेस्ट, बहुत ही कंसेशनल इंटरेस्ट पे नाबार्ड का जो है लोन मिलेगा, उसमें ढेर सारी सब्सिडी भी जो है वो नाबार्ड की मिलेगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बहुत सस्ता लोन मिलेगा। इस सब लोन को जो है पूरी प्रक्रिया जो है ना सीएफपी करेगी और ये पैसा जो है ना विल गो एज ए सीड मनी। इसकी वापसी की जिम्मेवारी भी सीएफपी की होगी और 2% उसके ऊपर जितना भी लाइबिलिटी बनेगी उसका 2% एक्स्ट्रा जो है वो सीएफपी किसान को देगी, राइट? और वो तो किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट अकाउंट में नहीं जाएगा, राइट? आप जो दूध पैदा करेंगे दैट विल बिकम जो है ना अगेन रिसोर्स, राइट? तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने अनाज पैदा किया, जिसके पास जाएगा वहां से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आपने दूध पैदा किया, वो जहां जाएगा वहां उसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, राइट? तो आपका पूरी चीजें प्रोडक्शन ओरिएंटेड है और उस प्रोडक्शन से
जहां पे भी आउटपुट पे सेल हो रहा है उस सेल के कारण जो है पैसा क्रिएट होगा, तो दिस 20% विल बिकम वेरी ह्यूज मनी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। एक ज्वाइंट वेंचर के तहत 20-80-80 का जो प्रॉफिट शेयरिंग है, तो आज की एक्टिविटी जो आज आज अनाज पैदा कर दिया है वो सीएफबी मॉडल से जब पहुंचेगा तो आज वो पैसा पैदा किसान क्रेडिट कार्ड का फिर जो इंडस्ट्री पार्टनर बनेंगी और किसानों की भी जरूरत पड़ेगी यदि पैसा कम पड़ता है, क्योंकि हम इतना हैवी एक्सपेंडिचर करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो पैसा कम पड़ सकता है। तो उसके लिए सब लोगों की करंट क्रेडिट लिमिट बनाई जाएगी एंड आप सबकी करंट क्रेडिट लिमिट विल बिकम द क्यूमुलेटिव लिमिट ऑफ द सीएफबी। तो सीएफबी के पास जो टोटल धन होगा शायद उसे संभालने के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए जो है ना उस पैसे को बड़ी मात्रा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा, जिससे कि हम स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट एंड टूल्स बनाएंगे, उसमें RFID लगाएंगे, GPS लगाएंगे, IoT डिवाइसेस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम ये सब नहीं लगाएंगे तो सुपरवाइजरी सिस्टम के तहत हम काम नहीं कर सकते हैं। हम सब लोग चोर हैं, हमारे सबकी वैल्यू सिस्टम खराब हो चुकी है, तो जिसको जहां मौका मिलेगा वो गच्चा करने की कोशिश करेगा। ये सिस्टम किसी को गच्चा करने की तो जब सब लोग शुद्ध भाव से 24 घंटे, अब आप ये सोचिए कि कितना हरकुलियन टास्क होगा यदि हम हर वो तो खेत में तीनों तरफ जो है ना टनल बनाएंगे, उस टनल को बनाने के लिए उस नाली को बनाने के लिए कितने JCBs की जरूरत है। उन JCBs को चलाने के लिए हमें यदि हम 24 घंटे चलाते हैं तो हमें कितने ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी, हम कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि आप बन MSP नहीं दे रहे हो, कोई तो लाखों में कमा रहा है और आप जो है ना आपके ऊपर की सड़ गायब हो रही है। अब जो है आप करोड़ों में कमाएंगे, राइट, आप विदेशों में भी घूमेंगे और आपका लेबर भी ज्यादा कमाएं। आप क्यों चाहते हैं कि आपका लेबर आपके सामने मजबूर रहे? हमारा लेबर जो है ना वो अच्छी जो है ना गाड़ियों में खेतों पर क्यों ना पहुंचे, उसके घर में अच्छे घर क्यों ना हो। CFB will make it sure कि उनकी चॉइस के जो घर संभव है वो CFB उनको बनाते हैं। That will be a big industry. CFB का जो e-commerce model है वो उनके घर में फ्रिज से लेकर हर चीज पहुंचाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति 2 लाख रुपए कमा रहा है वो उसका रीपेमेंट ओवर द पीरियड करेगा, तो CFB उसको क्रेडिट दे देगी कि भाई तुम जो चीजें खरीदना चाहते हो। तो हम चारों तरफ प्रोडक्शन को जब इतना हाई ले जाएंगे, इस देश की GDP जो है सौगुना बढ़ जाएगी। जो अभी माननीय मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि 3 trillion इकोनॉमी को 5 trillion इकोनॉमी में पहुंचाने की बात कर रहे हैं, हमारा तो कहना है कि 15 trillion हम 5 साल में बहुत आसानी से पहुंचाएंगे, और यदि हम 100 trillion में भी पहुंचाएंगे तो मुझे तो कोई उसमें संदेह नहीं। आपको ऐसा लगता है कि इतना सारा संसाधन कम पड़ेगा CFP के लिए, यानी आपको लगता है पर्याप्त होगा? इसमें क्या है जो KCC की बात आप कर रहे हैं वो थोड़ा कठिन कार्य है। क्यों कठिन? क्यों? क्योंकि अभी तक 90% किसान जो है पूरी जो क्षमता है KCC की उसको उपयोग कर चुके हैं। अभी उसको नहीं, उसको रीपेमेंट आप करिए, क्योंकि आपको तो एनुअली रीपेमेंट करना पड़ता है। जी करते हैं किसान? नहीं, अब जो है आप जो ऊपर जो खर्चा करेगा वो तो CFP कर रहा है, तो वो आप जो है एक बार रीपेमेंट के बाद जो बाकी पैसा है वो हमारे पास आना चाहिए ना। जो हम इतने सारे FPOs बनाएंगे उनमें जो NABARD से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा आएगा वो तो जो है वो पैसा नहीं, और NABARD जो सकता है वो ठीक है। नहीं, वो तो FPO की स्कीम का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, यदि हमें और पैसे की कमी पड़ेगी तो जो आपके खेत है उसके अगेंस्ट आपको करंट अकाउंट लिमिट दिला देंगे ना भाई। आपके खेत जो है ना, यदि आपका 3 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से जा रहा है और आपके पास 100 एकड़ है तो 3000 कितने का होगा? 300 करोड़ का हो गया कि नहीं हो गया? तो 300 करोड़ के अगेंस्ट में 100 करोड़ भी उसके करंट क्रेडिट लिमिट बनाते हैं
और क्योंकि आप उस करंट लिमिट को कहीं मिसयूज नहीं कर रहे हो, उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो रहा है और उसी समय वो पैदावार कर रहा है, तो आपको रिपेमेंट इज नॉट ए इश्यू। और चूंकि उससे एक ह्यूज प्रॉफिट निकलेगी तो ये बहुत ही अर्थ का लाभ का सौदा होगा। अभी हम जो है नेगेटिव लूप में चल रहे हैं, तो हम ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हमारा जो है ना ये किसान हमारी फसल फेल हो जा रही है, तो फसल फेल बहुत सारे कारणों से हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने ईगो को खराब कर दिया। जब आपका ईगो बन जाएगा तो आपकी आपकी जो है ना हवाएं नहीं चलेगी, क्योंकि चारों तरफ पेड़ होंगे तो हवाएं को चलने ही नहीं देंगे, राइट। आपका जो है ना फसल जो है ना पानी में खराब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पानी आपका अंदर चला जाएगा तो आपका फ्लश फ्लड हो गई नहीं, तो आपका पूरा इको सिस्टम आपका काम करेगा। आज जो पेस्ट आपके जो है फेल हो रहे हैं वो जो है माइक्रोब वाला जो पेस्ट रहेगा, ऑर्गेनिक पेस्ट जो है जो पेस्ट पेस्टिसाइड रहेंगे वो जहर भी नहीं फैलाएंगे, और बल्कि वो क्रिएट काइंड ऑफ रेजिलियंस। इन केमिकल के कारण हमारे जो खेत है उनकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, तो हमारे खेत रोबस्ट हो जाएंगे। अब अभी आप ये देखिए कि इतनी वैरायटी जो कि ये जेनेटिक मॉडिफाइड जो है ना सीड यूट से जो है ना खराब कर दे रहे हैं, हमारा उल्टा रहेगा। क्योंकि यदि ईश्वर ने किसी चीज की 2000 वैरायटी बनाई है तो उसके नीचे जरूर ईश्वर की कोई ना कोई कारण होगा। हमारी रिसर्च विंग उस कारण को खोजेगी और उतनी वैरायटीज को ना केवल जो है ना मल्टीप्लाई करेगी। क्यों? क्योंकि जो कम वैरायटी में पैदा होगा हम उसे ज्यादा पैसा देंगे, भाई उसकी मार्केटिंग मैनेजर तो पूरे मेरे हाथ में, प्रोडक्शन मेरे हाथ में है, किस रेट पे बेचना है ये हमारे हाथ में है, राइट। और कॉस्ट को हमने करेंसी और कॉस्ट पे विजय पा लिया, राइट। तो कॉस्ट हमें कहां लोकेट करना है, हम उसको 10 साल में इकट्ठा करते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम। अभी जो हमारा जो सामान डिमांड चलता है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे होता है, कितने में खरीदा, ये जो ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, खाद की कॉस्ट आई, इसकी कॉस्ट आई, फिर हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, इस तरीके से मिला मिल के हम कॉस्ट निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे कॉस्ट को निकाल के एलोकेशन का एक अलग फंडा बना दिया है, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट अलग बना दिया है, तो हम आपको शुद्ध आए आपके ऊपर जो है ना मान लगा 10 करोड़ का जो है ना खर्चा भी चल रहा है तब भी आपके पास शुद्ध आय है वो भी करोड़। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट अकाउंट अलग है और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, और आप पूरी चीज का जो है ना निर्माण में यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, आप कोई शराब खा के उसे उड़ा नहीं रहे हैं, शराब पी के उसे उड़ा नहीं रहे हैं, तो वेल्थ क्रिएशन इतना हाई होगा कि कॉस्ट सेटलिंग शुड नॉट बी एन इश्यू। तो जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट को हमने भगवान शिवा का गला कहा, तो वो कॉस्ट रूपी जहर को जो है ना वो अपने गले में फंसा कर रखेगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, और उसको 10 साल में 20 साल में जब जो है ना सामर्थ्य बनती जाएगी उतने उसको सेटल। तो हर तरफ जो है ना एक सामर्थ्य की व्यवस्था बना, राइट। और जो आप कह रहे हैं मैं और आपसे जो पूछना चाहूंगा कि ऐसी और कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको लग रही हैं कि उसमें दिक्कत पैदा हो रही है, हम एक सेशन आपसे अलग कर लेंगे जिसमें आप अध्ययन करके आप बताएंगे कि जमीनी तौर पर जो जो ऊपरी तौर पर जो चीजें दिख रही हैं और जमीन में जो चीजें हैं वो भिन्न है, राइट। तो हम उसको समझ के सीएफपी विल डिजाइन सॉल्यूशन। जब इतना बड़ा लाभ का सौदा होगा तो आप जहां से भी प्रॉफिट लेना चाहते हैं, अभी तो हम डायरेक्ट लोन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्वाइंट वेंचर में रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जब आपको लाभ मिल रहा है तो रिस्क भी तो आपकी होती है, ठीक है ना। तो यदि जरूरत होगी तो इतने लाभ के सौदा में सीएफपी सीधे भी बारगेनिंग कर सकते हैं अगेंस्ट दैट एसेट, राइट। लेकिन सीएफपी का ऐसा डायरेक्ट बारगेनिंग का इरादा नहीं है, क्योंकि let it be a risk would also be distributed among the joint ventures। और इसमें transportation जो है ना वो भी CFP कराएगा, और transportation की cost जो है ना उसकी price से जोड़ी हुई जाएगी। So that will be settled on the farmer side on the 1 MSP+ ECO। तो consumer के तो बल्ले बल्ले हो जाए, उसको अभी जहर की चीजें मिल रही है और महंगी मिल रही है, फिर उसको अमृत तुल्य चीजें मिलेंगी और वो सस्ती मिलेंगी, और जब आप अमृत बांटेंगे तो क्या देसी लोग ही अमृत खाएंगे? विदेशी लोग लाइन भी लगाएंगे, तो हम उसको 10 गुना प्राइस पे जो है विदेशियों को भी बेचेंगे। अभी जैसे हम लोग शक्कर बनाते हैं तो हमको एक केमिकल हटाना है बस, अभी जीरो केमिकल से नहीं, हम एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं अपनी शक्कर साफ करने के लिए,
उस केमिकल को हटाएंगे तो हमारी शक्कर की लागत बहुत कम हो जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो इसको कह रहे हैं हम हटा रहे हैं वो उस चीज का उपयोगी हिस्सा है, देखा जाए तो वो उसी के हटने के कारण आपकी शक्कर जो है वो जहरीली हो जाती है, क्योंकि जो है ना केमिकल नहीं केमिकल फ्री वो जहर फ्री भी होती है। क्यों? क्योंकि जो चीज आप निकाल रहे हो बुरा समझ के वही उसका जो है ना एसेंस है, वही उसकी शक्ति है, उसी को तो नहीं निकालना है, इसलिए तो गुड़ बना लो। हम शक्कर क्यों बनाए? शक्कर तो हमारी चीज नहीं, हमारे यहाँ तो गुड़ हुआ करता था, हम नमक और गुड़ और ये सब करते थे, तो ये तो जो है ना विदेशी लोग लेके आए, तो शक्कर क्यों बनाए? जब शक्कर जो है ना नुकसानदेह है, हर कोई कह रहा है शक्कर कम से कम ली जाए, और गुड़ जो है फायदेमंद है, औषधि तुल्य है, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि हम शक्कर क्यों बनाए? अगर पब्लिक चाहेगी कि गुड़ का इस्तेमाल करना शुगर फ्री, यदि उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि साहब इसमें अमृत है, और हम जो है ना उसकी रिसर्च करेंगे कि देखिए इन लोगों ने शक्कर खाई और इन लोगों ने गुड़ खाया तो ये कितने इनकी दैनिक स्थिति कितनी अच्छी है, क्या रिसर्च करने का जो है ना पूरा हक है यूरोप में, सीएमबी की सब रिसर्च विंग जो है ना ऐसे साइंटिफिक वो करेगी, और चूंकि ये दुष्ट लोग जो है उसे पब्लिश नहीं करेंगे, इसलिए सीएमबी का अपनी पब्लिशिंग हाउस होगी, क्योंकि ये दुष्टता तो इनकी दुष्टता तो इतनी ज्यादा है कि ये आपकी अच्छी चीज को पब्लिश नहीं होने देते। जो इतिहास की किताबें लिखी गई जिसमें सत्य लिखा गया है, इन दुष्टों ने उन किताबों को छपने नहीं दिया, सत्य को छिपाने के लिए बहुत सारी किताबें प्रिंट नहीं हो पाई। ये ताशकंद मूवी जो बनी है ताशकंद फाइल, ये कभी नहीं बनती अली जो है कांग्रेस का शासन, उन्हें तो मिलती जुलती भी जो है ना फिल्में मंजूर नहीं थी। एक आधी फिल्म आई थी उसमें भी उनको वो कहीं आपत्ति थी, क्योंकि वो करेक्टर कहीं ना कहीं श्रीमती गांधी से जो है ना मैच कर रहा। तो ये तो बहुत दुष्ट लोग हैं, तो सभी जो है ना नेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। हम जो है अपनी लाइन बड़ी करें, इनकी लाइन छोटी कर लें, अपनी मर्जी खर्च ना करें, हम एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करें। मेरे ख्याल से इस प्रश्न का जवाब आपको काफी हद तक मिल गया है, और हम इससे इसमें एक दूसरा जो है ना सेशन आपके साथ करेंगे, जिसमें हम उन बारीकियों को समझना चाहेंगे, उन ग्राउंड की हकीकत को समझना चाहेंगे जो उतनी फेवरेबल नहीं है, जो अपने आप में चुनौती है, जिससे हम उसके लिए सॉल्यूशन क्रिएट कर पाए। मतलब हम इस चीज को आज से जो है एक साल बाद डिस्कवर करेंगे, और उस समय जो है ना वो शौक होगा, उस चीज को आपके अनुभव को आपके निचोड़ को लेके हमें जो प्रिकॉशनरी काम करना है वो अभी करेंगे। हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि जितने भी तपस्वी हैं, लोगों ने बड़े बड़े काम किए हुए हैं, उनकी तपस्या जो है ना इन दुष्ट लोगों ने सरफेस होने नहीं दी है, क्योंकि ये उनके हितों को जो है बाधित कर रही है। तो चाहे वो औषधि के बारे में हो, आयुर्वेद के बारे में हो, चाहे वो अच्छी जो है ना उसके बारे में हो, वो सब चीजें जो है ना इन्होंने विलोपित कर दी है, और अब वो धीरे धीरे फोर्स हो रहे हैं। आजकल वो ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, इसमें एलोवेरा है, इसमें हल्दी है, इसमें नमक है, कहीं ना कहीं वो फोर्स हो रहा है। हम कहेंगे कि इसके बावजूद भी आपका प्रोडक्ट खराब है, हमारा उससे बेहतर प्रोडक्ट है, उससे दसगुना सस्ता है। तो हम जो है उनको उन्हीं के गेम में पछाड़ेंगे, चाहे वो रिसर्च हो, तो हम रिसर्च जो है ना करेंगे, उनसे ज्यादा रिसर्च करेंगे, जिस भाषा में वो रिसर्च समझते उस भाषा में करेंगे, और चूंकि मुझे मालूम है कि वो बहुत दुष्ट है, वो उसे छपने नहीं देंगे, तो हमारा अपना मीडिया हाउस होगा जो हमारी रिसर्च को पब्लिश करेगा। जरूरत होगी तो हम नोबेल प्राइज भी, नोबेल प्राइज की जगह हम एक लाल बहादुर शास्त्री प्राइज के भी चालू कर देंगे, दैट विल बी 10 टाइम्स मोर देन द नोबेल प्राइज। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मैं आपको कन्विंस कर पाया।